डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू आर वेलकम इन श्रुति एजु टॉक। आज हम लोग कल के ही लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बच्चों लाइट में रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में स्टडी किया था। होप कि आप लोगों ने पिछला वाला सब अच्छे से कर लिया है। तो आज उसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग यहाँ देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो जितनी दूर पर रखा हुआ है उतनी दूर पर उस प्लेन मिरर से उसका इमेज बनेगा, और वो डिस्टेंस क्या होगी इस प्लेन पर ऑब्जेक्ट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इधर मिरर पर इमेज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे अमाउंट में। ठीक है, तो प्लेन मिरर की इतनी प्रॉपर्टी से हमारा सारा काम चल जाने वाला है। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्फेरिकल मिरर। आपको साइन कन्वेंशन भी लास्ट टाइम पे बताया था। तो स्फेरिकल मिरर की हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादातर जानते ही हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? किसी स्फीयर में एक तरफ, स्फेरिकल सरफेस में एक तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश ऐसी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। तो उससे जो मिरर बनाते हैं उनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे हम लोग ये एक हमारे पास स्फीयर होता, स्फीयर का मतलब सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, और इसमें से हम इतना पार्ट कट कर लें। तो जब आप इतना पार्ट कट करके अलग निकालोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जब आउटर सरफेस पे हम पॉलिश कर देंगे, ये आउटर सरफेस पे पॉलिश हो गई तो ये हमको ऐसा केव सा दिखेगा। आउटर सरफेस पे ये स्फीयर होगा, इतना कट करके निकाला गया तो ऐसा बाउल सा दिखेगा। अब बाउल के आउटर साइड में भी हम पॉलिश कर सकते हैं, इनर साइड पे भी कर सकते हैं। अगर ग्लास का ये बना हुआ है तो जब हम बाहर साइड करेंगे तब अंदर साइड से डालेंगे, मतलब अगर ये ग्लास का होता है स्फीयर और बाहर साइड से हमने इस पर पॉलिश कर दिया है तो हम लाइट अंदर से डालते, इस साइड से डालते, ये हमको दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको 1D में देखें तो ये हमको ऐसा दिखेगा, मतलब इस साइड पॉलिश होगी और इस साइड नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट जब अनपॉलिश्ड साइड रहेगा, इस साइड खड़ा होगा, तभी उसको अपना इमेज नजर आएगा। तो ऑब्जेक्ट किधर रहना चाहिए? पॉलिश के इस साइड। इसी तरह से हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसकी अंदर साइड में पॉलिश कर सकते थे, तो जब अंदर साइड में हम पॉलिश कर देते तो ये हमको कुछ ऐसा दिखता। तो अब ऑब्जर्वर किधर खड़ा करना पड़ता? इस साइड खड़ा करना पड़ता। तो जब ऑब्जर्वर इस साइड खड़ा हो जाता तब इसका इमेज बनता, इस साइड नहीं होता। तो ऑब्जर्वर जब इस साइड से इसको देखेगा तो ये बीच में उठा हुआ और इधर ऐसा जाता हुआ, मुड़ा हुआ, तो बीच में इसको अपनी तरफ ये बल्गेज आउट नजर आएगा, ऐसा अपेक्स सा नजर आएगा। अपेक्स का मतलब है कि कुछ पीक सा नजर आएगा। इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर एक केप सा दिखेगा, मतलब थोड़ा सा इसमें धंसा हुआ नजर आएगा, इसलिए इसका नाम है कॉनकेव। इसका नाम है कॉनकेव मिरर और इसका नाम होगा, यहाँ पे अपेक्स टाइप का मिलता है, पीक मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो वैसे तो यहाँ पैराबोलिक मिरर भी होते हैं, और भी कई टाइप के मिरर हो सकते हैं, बट इस 10th क्लास के सिलेबस में हम लोग इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो आप इनको बनाते जाइए सब। अब आते हैं इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन पर। बेसिक डेफिनेशन क्या है? इनमें सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, अब इसमें इतने ये पार्ट है स्फीयर को और इसमें एक तरफ पॉलिश है, बाहर साइड पॉलिश है, मतलब एक कॉनकेव है। कैसा है? कॉनकेव। अब आप इसके पूरे सर्कल को जब कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा।
तो जो इसका सेंटर हो जाए वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इस टाइप का होता, इसमें इस साइड पॉलिश्ड होती, तो जब आप इस स्फीयर को पूरा करते तो इसका जो सेंटर होता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा पॉइंट है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को कहीं भी मिला दो वो सारी रेडियस ही हो जाएंगी। आप इन डेफिनेशन को लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट, द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच इट इज पार्ट। सो बच्चों, हम लोग इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों को अच्छे से सीखे। इसमें एक और पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज ये हमारे पास मिरर है, तो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसको और इसको मिला दीजिए और ऐसा कर दीजिए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जहाँ पे कट कर जाए वही इसका पोल मान लिया जाएगा। तो पोल किसी भी मिरर का मिड पॉइंट होता है। अगर हम मिरर इतना छोटा कर दें तो अब कहाँ होना चाहिए, अब पोल कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी आपको मिरर का पार्ट दिया जा रहा है उस उतने पार्ट का जो जस्ट मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। तो पोल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। तो सपोज ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है, पोल है, और जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका कहीं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को मिलाती हुई लाइन होती है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप अगर लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर देंगे, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, तो वो फिर रेडियस रहेगी, लेकिन लाइन पासिंग थ्रू अगर लिख दिया जाएगा जो इनसे और इनसे पास होके दूर निकल जाएगा, वो पूरी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी। अब जो लाइन इसी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो भी स्ट्रेट लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, उनको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। मिरर पर पैरेलल लाइंस आके गिर रही, यही लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से जाती हैं, बहुत ध्यान से समझो, जब ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक से जाएंगी तो इनको हम बोलेंगे पैराक्सियल रेज। क्या बोलेंगे, ये जो रेज होंगी वो पैराक्सियल रेज होंगी, पैराक्सियल रेज। और जो यहाँ पे मार्जिन पे आके गिरती हैं ऐसे ऊपर, ऐसे यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ भी नीचे, ये सब, तो ये जो मार्जिन पे आके गिरेंगी ये, इनको बोलेंगे मार्जिनल रेज। बच्चों हमको सिर्फ इन रेज के बारे में पढ़ना है, इन रेस के बारे में, इन मार्जिनल रेस को नहीं पढ़ना है, या यूं कहें कि हमें इनसे बचना है। हमारे जितने भी फार्मूले 10th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में है, वो सब पैराक्सियल रेस के लिए। पैराक्सियल रेस मींस द रेस विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू इट आर नोन एज पैराक्सियल रेस। पैरेलल ना भी हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से आ रही हो तो उनको हम लोग पैराक्सियल रेस ही बोलेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अगर हमने कोई मिरर लिया है, उसमें हमने लाइट डाला है, तो दोनों होंगी लाइट रेस, कहीं से लाइट सोर्स आ रहा है, बड़ा सा लाइट सोर्स है, तो पैराक्सिल और मार्जिनल दोनों ही होंगी। तो क्या करें, या तो इसको यहाँ पे हम कोई ऑब्स्ट्रेक्ट कर दें, यहाँ पे रोक दें, सिर्फ इन्हीं रेस को आगे जाने दें, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस
का जो अपर्चर है वो बहुत छोटा ले लें। हमने अपर्चर छोटा ही लिया है तो जो भी लाइट रेज इस पर गिरेंगी वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पास नज़दीक ही होंगी, जो मार्जिनल वाली रेज होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, तो काम बन जाएगा अपना। तो ये जो फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे वो सब पैराक्सियल रेज के लिए, मार्जिनल रेज के लिए फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो मिरर का साइज लेंगे वो बहुत स्मॉल साइज लेंगे, ध्यान रखना स्मॉल साइज ऑफ मिरर के लिए सारे फार्मूले वैलिड होंगे। जब हम यहाँ पे 10th और 12th स्टैंडर्ड तक में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप मार्जिनल रेज के लिए फार्मूले देखोगे तो वो कुछ चेंज हो जाएंगे सर, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोकस ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द मिरर। तो क्या होनी चाहिए स्फेरिकल मिरर? फोकस मिरर की क्या होती है ये सब आप लिखते रहिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमने यहाँ कॉनकेव मिरर बनाया, ऐसा ही कोई कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर में अगर हम ऐसे पैरेलल रे डाल दें तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए वही फोकस होगा इसका। कोई भी अगर रे इस पे पैरेलल डालोगे तो वो फोकस से ही जाएगी वापस, तो उसको हम लोग फोकस पॉइंट कहेंगे। इवन आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डालेंगे तो भी वो आके फोकस पे ही कट करेगी। या फिर यूं कह सकते हैं अगर यहाँ बल्ब रख देते या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते तो इससे चलने वाली रे, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते थे कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ से चलेंगी रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएंगी। तो पहले से पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, या किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे किसी पॉइंट से ये जब मिरर की तरफ चलेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएंगी। तो वो पॉइंट हमारा जो होता है वही है फोकस। सिमिलरली यहाँ पर भी इस मिरर पे अगर हम कोई पैरेलल रे डालें, अभी हमने मान लिया कि अपर्चर छोटा हुआ, छोटा है जितना हम लेना चाहते हैं उतना ही छोटा है, और इसमें जब हम पैरेलल रे डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करेगा तो कुछ ऐसा डाइवर्ज करेगा, ऐसा लगेगा मानो ये सारी की सारी रेज इसी पॉइंट से बाहर निकल रही हैं ऐसा। तो जब पैरेलल आएंगी तो ये डाइवर्ज होंगी, तो हमको किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील होंगी, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज फील हो वही हमारे पास फोकस होगा। या फिर यूं कह दें ऑलरेडी इसी पॉइंट की तरफ जा रही हो कोई इंसिडेंट रेज, कोई भी रे जो इसकी तरफ जा रही हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर वापस पैरेलल होके निकलेंगी, तो इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे से भी फोकस बन सकता है और इंसिडेंट रे से भी फोकस बन सकता है। वैसे यहां पर भी ये इंसिडेंट रे से भी फोकस, रिफ्लेक्टेड रे से भी फोकस बन सकता है और इंसिडेंट रे से भी फोकस बन सकता है। हमने आपको बताया ही था ये हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ा, और रे ऑप्टिक्स में केवल रे ही सब कुछ है, या तो ये इंसिडेंट हो सकती हैं या रिफ्लेक्टेड हो सकती हैं। तो जो फोकस पॉइंट है वो क्या हो सकता है अगर रे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो या जहाँ से डाइवर्ज होती हुई फील हो, ये रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही है ये, तो वो पॉइंट क्या होते हैं फोकस। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू है। या फिर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो या जिसकी तरफ जाती हुई फील हो रही है वो पॉइंट क्या होता है फोकस। फिर से समझो, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज होती हुई फील हो या कन्वर्ज होती हुई फील हो, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस फॉर विच करेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेस वर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। तो ध्यान से समझो, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग रेस थी या रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग रेस थी? तो ये कन्वर्जिंग रेज है और ये रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग रेज है, जिनके लिए इंसिडेंट रेस कैसी थी? पैरेलल। जिनके लिए इंसिडेंट रे कैसी थी? इंसिडेंट देखिए आप यहाँ पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस या तो कन्वर्जिंग होंगी या फिर डाइवर्जिंग होंगी। तो रिफ्लेक्टेड रेस का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे किसको बनाती है? इमेज। किसको बनाती है? इमेज को। तो असल में ये जो फोकस होता है वो इमेज पॉइंट होगा, किसका? जिसके लिए इंसिडेंट रेज इनफाइनाइट से आ रही थी। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से, जिसकी डिस्टेंस हमको पता नहीं थी कहाँ है, काफ़ी दूर से आ रही, तो पैरेलल आ रहे हैं। तो जहाँ से आ रही होंगी वो वहाँ तो ऑब्जेक्ट होगा ना। इंसिडेंट रे किसको बनाती है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा इस बार? इन्फिनिटी पर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पर। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है यहां पर, और इमेज कहां बन गया? फोकस पर। तो बहुत ध्यान से समझिए। इसी तरह से इस वाले इसमें और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंसिडेंट रेस इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही फोकस से, और यहां पर फोकस की तरफ जा रही इंसिडेंट रेस। तो फोकस इंसिडेंट रेस का डाइवर्जेंस पॉइंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंस पॉइंट भी हो सकता है। और तो इसके लिए फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? इसके लिए फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? कि ये डाइवर्जिंग पॉइंट हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। ऑब्जेक्ट किसको डिफाइन करते हैं? इंसिडेंट रेस को। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर है तो इमेज हमारा बनेगा इन्फिनिटी पर। समझिए, ऑब्जेक्ट या इमेज में से कोई एक इन्फिनिटी पर हो तो दूसरा कहाँ होगा? फोकस पर। दूसरा कहाँ होगा? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है। तो असल में फोकस जो होता है वो रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में भी लिखेंगे, इट इज द रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर विच corresponding either object or image must be at focus, जिसके लिए या तो इमेज या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस। एक फोकस पे होगा तो दूसरा अपने आप इन्फिनिटी पे होगा। या फिर हम रेज के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करें, चूंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं तो रेज के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफाइन कर सकते थे। कैसे डिफाइन कर सकते थे? इट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉर विच इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन। और इट इज द डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज फॉर विच corresponding reflected rays are parallel to principal axis। तो इस तरह से हम लोग इसकी डेफिनेशन को इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रेस से भी बता सकते थे, रेस से डिफाइन कर सकते थे फोकस को, या फिर हम ऑब्जेक्ट या इमेज से भी डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट रेस हमारी ऑब्जेक्ट इमेज बनाती हैं। ऑब्वियसली हम इनको पहले से रेस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड भी कर चुके हैं, या फिर आप रेस से ही डिफाइंड करना चाहो तो फिर से फोकस की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ, पहले हम रेस के रिस्पेक्ट में फोकस को डिफाइन करके बताते हैं। तो रेस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल आपको देख
इमेजिन करना है, कैसे बोलना है, इट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस आफ्टर विच फॉर विच करेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज के रिस्पेक्ट में हो गई। अब ऑब्जेक्ट या इमेज के लिए देखते हैं, ठीक है, सॉरी ये अभी रिफ्लेक्टेड रेस से इसको डिफाइन किया, रिफ्रेक्टेड रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट रेस से भी कैसे डिफाइन कर सकते थे, इट इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंस रे और कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेस फॉर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब ऑब्जेक्ट या इमेज से डिफाइन करते हैं, तो यहां पर ये इमेज बन रही है, यहां भी इमेज बन रही है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर, तो इट इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और इट इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये डेफिनेशन सॉलिड डेफिनेशन है। तो इस तरह से फोकस की डेफिनेशन हो गई। हमने एक चीज और यहां फोकस के डेफिनेशन से सीखा कि अगर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए तो वो फोकस ही होगा पक्का, या यूं कहें कि अगर फोकस से कोई रे चलेगी और ये पैरेलल हो जाए तो बिल्कुल बिना शक के हम कह सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट था, फोकस पॉइंट था। इसी तरह से अगर किसी मिरर में पैरेलल रे आ रही होती और आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे कंसर्न हो जाती तो हम पक्का कहते ये फोकस ही था, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के लिए भी ऐसा है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, आपको यहां पर रे जरूर बनाना है, मतलब एरो जरूर बनाना है। अगर यही चीज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करते तो पैरेलल रे डालते और फिर ये इस तरह से डाइवर्ज होती कि हमको ये फील आता कि ये किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो पक्का कहां पैरेलल रे डाल के देखते और जहां से डाइवर्ज होती हुई फील होती वही हमको फोकस नजर आता। इसी तरह से पक्का ये फोकस पॉइंट ही होता, या फिर दूसरा क्या कह सकते थे कि पहले से इस पॉइंट की तरफ जाती हुई अगर कोई रे डालते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये पैरेलल हो जाती तो जिस पॉइंट की तरफ जा रही थी वो पॉइंट ही फोकस था। मतलब एक लाइन में हमने ये सीखा कि किसी भी मिरर, ये मान लो मिरर है, हमने अभी स्टेट बना दिया है, तुम चाहो जैसा चाहो ऐसा बना लो। जैसे इस मिरर में अगर हम एक पैरेलल रे डालते हैं और ये वापस फोकस से आके चली जाती है या हमको ऐसा डाइवर्ज होती हुई किसी पॉइंट से नजर आ रही है तो ये फोकस हो सकता था। अब ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये कॉन्वेक्स कॉनकेव होगी तब ये होगा, कॉन्वेक्स होगा तो ये होगी, हो गया। तो इस तरह से कोई पैरेलल रे डालते हैं तो वो या तो वो फोकस से पास होके जाएगी या फिर वो डाइवर्ज होती हुई फोकस से फील होगी। इसी तरह से अगर हम किसी मिरर पर, बहुत ध्यान से समझिए, अगर किसी मिरर पर हम लोग किसी पॉइंट से चलने वाली रे डालें और वो पैरेलल हो जाए या फिर हमको ये फील हो कि ये लाइट किसी पॉइंट की तरफ जा रही थी तो इंसिडेंट कन्वर्जिंग होंगी तो किसी पॉइंट की तरफ जा रही होंगी तो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तो ये फोकस होगा। अगर यही डाइवर्जिंग रे होती और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती तो भी ये पॉइंट क्या होता, फोकस ही होता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लाइन बनाई थी कॉनकेव के केस, ये वाला किस केस में होगा, ये वाला इस केस में होगा और ये वाला किस केस में होगा, इस केस में होगा, मतलब कॉनकेव के केस में ये वाला होगा और कॉन्वेक्स के केस में, सिंपल। तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए,
और हमने यहाँ से एक जो कंक्लूजन निकाला है उसे याद रखना है कि पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी या फोकस से चलेगी तो पैरेलल हो जाएगी, या फोकस की तरफ जा रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अगर सॉरी बच्चों अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी या फोकस से डाइवर्ज होती हुई फील होगी, या फिर फोकस से चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, या फोकस की तरफ जा रही होती है तो भी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, किसी भी टाइप के मिरर के लिए फोकस की भी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इनमें ऑब्जेक्ट इमेज के लिए फार्मूले भी फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ मिरर तक की डिस्टेंस, फोकस क्या है फोकस से पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। तो देखेंगे इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये मान लो पोल है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से मैंने एक पैरेलल रे डाली, राइट। जब मैं पैरेलल डालूंगा तो आपको पता ही है कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, चली गई कहीं पर। अभी इसने क्या कोई रूल फॉलो किया होगा, इस रे ने बिल्कुल फॉलो किया होगा। अगर आप देखें इस पॉइंट पे नॉर्मल डालेंगे तो वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है, स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल डालोगे तो वो उसके सेंटर से ही पास होगा। तो ये इसका सेंटर है तो ये नॉर्मल हो गया, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं। हमको पता है कि अगर सी ए नॉर्मल है इस मिरर पर, इस पॉइंट ए पर, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना इंसिडेंट एंगल होगा वही उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, मतलब टोटल एंगल कितना होगा 2i। इस ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है तो बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, ये आई है तो ये भी आई होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये टोटल 2i है तो ये भी 2i होना चाहिए। आप ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये किसी एम पॉइंट पर आके गिरेगा। एम और अगर ये अपर्चर छोटा है तो एम और पी बहुत क्लोज होंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर। वैसे सारे फार्मूला स्मॉल अपर्चर के लिए ही वैलिड है, स्मॉल अपर्चर m is very close to p, तो बहुत करीब होगा। तो आप जरा tan i देखें तो ma अपॉन हाइट अपॉन बेस mc, इसी तरह से tan 2i देखो जरा इस ट्रायंगल में, tan 2i क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल लेके दिस अपॉन दिस, ma अपॉन mf, ये किसकी कहानी थी, इन ट्रायंगल CAM, और ये किसकी कहानी थी, इन ट्रायंगल FAM। वैसे M को बीच में ला दें, CMA और FMA, क्योंकि A पर राइट एंगल है तो tan 2i ये रहेगा। आप जरा ध्यान से समझो कि अगर मिरर बहुत छोटे अपर्चर वाला है और ये ऑब्जेक्ट इमेज काफ़ी दूर है, ये पॉइंट यहाँ से है एक पैरेलल पैराक्सियो, हम लोग अगर देखें कि ये पॉइंट ये जो है ना बहुत छोटा मिरर हो और हम पैराक्सियल रे डालें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर है,
तो ये जो इंसिडेंट एंगल होगा बहुत छोटा होगा। वास्तव में मैंने पैराक्सियल रेज लिया है और अपर्चर भी छोटा लिया है, तो ये जो आई एंगल है या टू आई है बहुत छोटे होंगे। ये बात हमको दिमाग में रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमको पता है कि आई और टू आई क्या हैं, बहुत छोटे हैं, आर वेरी स्मॉल। सो बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि जो टेन आई की वैल्यू होगी वो छोटे एंगल के लिए टेन की वैल्यू उस एंगल में, अगर आप उसे रेडियन में मेजर करोगे तो वैल्यू सेम आएगी, या साइन में भी इक्वली आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए अपॉन एम सी, और इसी तरह से हम इस वाले को ऐसा लिख सकते थे, और इस वाले को टेन टू आई को क्या लिख सकते थे, टू आई लग अप्रॉक्सीमेट टू आई लिख सकते हैं, और ये जो आएगी वैल्यू वो अप्रॉक्सीमेटली एम ए अपॉन एम एफ हो जाएगी। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसको सेकेंड कह दें, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर दो, यहाँ से इनको डिवाइड कर दो, तो आई बाई टू आई क्या होगा, वन बाई टू इक्वल टू, यहाँ से एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा, फिर एम एफ सबसे ऊपर जाएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, और उसके नीचे एम सी बचेगा, एम एफ अपॉन एम सी। अब बात आएगी साइन कन्वेंशन की, किसकी, साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या कहता है कि हमको ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होगी, तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी, लेकिन हमको बैठना कहाँ पे, इस मिरर पर। तो मिरर से बैठ के जब आप एम एम और पी बहुत क्लोज है तो आप इसको पी एफ भी कह सकते हैं और इसको पी सी भी कह सकते हैं, राइट। तो आप चाहे एम पे बैठो या पी पे बैठो, एक ही बात है, आप पी या एम पे बैठोगे और एफ को या सी को देखोगे तो आपको किधर देखना पड़ेगा, इधर उल्टा, इधर से यहां से अगर आप एफ तक जाना चाहते हो तो उल्टा जाओगे, इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे, सी के लिए भी अपोजिट ही आना पड़ेगा। तो जो हम साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं वो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन है, तो ये वाली उल्टी डायरेक्शन मानी जाएंगी। तो क्या होगा, पी से जो एफ होगा, पी से एफ क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितनी होती है, फोकल लेंथ के बराबर, और कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो इसको हम लोग पी से एफ माइनस एफ लेंगे, और पी से सी जो लेंगे वो माइनस आर लेंगे। आप यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या वैल्यू निकल के आएगी, वन बाई टू इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस आर, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू, या फिर टू एफ इक्वल टू आर। ये केवल तब वैलिड है जब ये रेज पैराक्सियल हो, अगर ये रेज पैराक्सियल नहीं है तो ये फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो हम मैटर नहीं करता है क्योंकि वो हमें पढ़ना ही नहीं, स्टाइल मारने के लिए मैं भले ही कर दूं। तो बच्चों ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। तो आज जो हमको डेफिनेशन पढ़ना था, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनके बीच में रिलेशन, ये सब हमने सीख लिया है। अब कल हम लोग इसमें अगले टर्न पर मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेटिव पोजिशन, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने बताया है ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक बार दोबारा आप अपना वीडियो रिपीट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये याद कर लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा, फिर आपको आगे वाली जो चीज़ें आने वाली हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे वाले वीडियो में। आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन एकदम चुटकियों में निकाल दोगे, एकदम फटाफट निकालोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो आज बस इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।